अमदावाद खाते आवेल शाह आलम दरगाह में गैरवहीवट मुद्दे मुस्लिम जनता में भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। गुजरात वक्फ बोर्ड में चेयरमैन पदे सुन्नी मुस्लिमों की निमणूक करवा मुस्लिमों की प्रबल मांग छे। अमदावाद खाते आवेल शाह आलम दरगाह में गैरवहीवट मुद्दे मुस्लिम जनता में भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड हज समिति की रचना करवा अंगे भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार ने अभिनंदन पाठवा शाह आलम दरगाह खिदमतगार शुभाभाई पठाणे जणाव्युं हतुं के गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड 98% वधु वस्ती धरावती मुस्लिम समाजना सभ्य निमणूक करवी जोईए तेनी लागणी अने मांगणी सुन्नी समाजमां प्रबळ बनी छे। गुजरात वक्फ बोर्डमां छेल्ली मिलकतो नोंधायेली छे जेमां 99% मिलकतो सुन्नी मुस्लिमोनी छे, जेनी करीने गुजरात भारत सरकार द्वारा सुन्नी मुस्लिम समाजमां अन्याय न थाय तेवी मांग करी छे। वक्फ बोर्ड को मैं एक अच्छा वक्फ बोर्ड में देखना चाहता हूँ, सुन्नी ख्यालात वाला जो वक्फ़ बोर्ड में काम कर सके। ना ही मैं 4 साल से देख रहा हूँ, जितनी भी सुन्नियत के जितने काम पड़े सब अधूरे पड़े हैं। शाह आलम दरगाह का फैसला ही 2017 से यहाँ के सज्जादा नसीन जब से गुजरे जब से कई काम अधूरे पड़े दरबार के, जैसे कि यहाँ पर पानी भराता है, गटरें भराती है, और यहाँ पर जितना भी डोनेशन आता है जाता है उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं है। ये 5 सालों में पहले ट्रस्टी ले जाया करते थे, और अभी सरकार ने 7 महीने से NR पठान करके निरुद्ध जज को रखा है। वो डायरेक्ट गोलक ले जाता है रूम के अंदर, और वहाँ से नई गिनती होती है ना कोई कलेक्शन होता है, डायरेक्ट गाड़ी में भर के अपने घर ले जाता है। और शाह आलम दरगाह में आप देख सकते हो कोई भी डेवलपिंग का काम नहीं है। जाके आप हुजूर गरीब नवाज में देखो 11 मेंबर हर तरह के रखे हुए, पठान भी है, शेख भी है, रजवी भी है, हर तरह के मेंबर रखे हुए। और हुजूर गरीब नवाज में जाओ तुम्हारे को रहने से लेके खाने तक का इंतजाम मिलता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मस्जिद के ऊपर तुम पर्दे भी नहीं है, धूप में लोग नमाज पढ़ते। और ये देखो आप देख सकते हो इधर ये चलते ठोकर है, आपको लगेगी उंगलियाँ कट जाती लोगों की, जब जुमेरा जुम्मा को 10 लोगों के हाथ पैरों के अंगूठे निकलते हैं। उसके तरफ से बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती, छोटी छोटी मंदिरों को मैंने देखा है। मैं खुद उद्घाटन के लिए गया हूँ जमालपुर वाल्मीकि समाज के अंदर, जमालपुर में मैंने देखा है माँ भद्रकाली और माँ कालका माता का मंदिर बनाया, उसको करोड़ों रुपये दे कर डेवलप करके उसको अच्छे से अच्छा बनाया, जबकि यहाँ तो शाही बना हुआ है, कुछ नहीं करने का है, सिर्फ यात्रा धाम में अपने लेने का। पर अभी तक यात्रा धाम में शाह आलम सरकार के दरबार के ट्रस्ट को अभी तक लिया नहीं है। मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं रजूआत करने जाऊंगा, और CR पाटिल साहब से रूबरू मुलाकात लूंगा, और प्रदीप सिंह वाघेला साहब से भी बैठ कर रजूआत करूँगा कि हमारे को वक्फ बोर्ड में एक अच्छा आदमी चाहिए, सुन्नी ख्यालात का आदमी चाहिए, जो दरबार का मस्जिद का, मैं शाह आलम सरकार का नहीं बोलता हूँ, पूरे गुजरात में जितने कब्रिस्तान हैं, जितने मस्जिद है, जितनी दरगाहें, मैं सबके लिए वो आवाज़ उठाई है कि इंशाल्लाह CR पाटिल साहब और प्रदीप सिंह वाघेला साहब इसके लिए अच्छे से अच्छा काम करें। इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं रजूआत करने जाऊंगा, और CR पाटिल साहब से रूबरू मुलाकात लूंगा, और प्रदीप सिंह वाघेला साहब से भी बैठ कर रजूआत करूंगा कि हमारे को वक्फ बोर्ड में एक अच्छा आदमी चाहिए, सुन्नी ख्यालात का आदमी चाहिए, जो दरबार का मस्जिद का, मैं शाह आलम सरकार का नहीं बोलता हूँ, पूरे गुजरात में जितने कब्रिस्तान हैं, जितने मस्जिद है, जितनी दरगाहें, मैं सबके लिए वो आवाज़ उठाई है कि इंशाल्लाह CR पाटिल साहब और प्रदीप सिंह वाघेला साहब इसके लिए अच्छे से अच्छा काम करें। थोड़े दिन पहले आप पर हमला हुआ था, कुछ दिनों पहले, आज से 2 महीने पहले की बात है, उसी हमला चाकू से हमला करने वाले आरोपी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो कुछ इंसानों के नाम ले रहा है कि उन्हें उसने मारने के लिए भेजा था या जो था। मैं यहाँ पर अच्छे काम करता हूँ, बरसों से करता आया हूँ, इंशाल्लाह मैं भी करूँगा और मेरे बच्चे भी करेंगे। मैं बरसों से अच्छे काम करता आया हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। मैंने यहाँ की रजूआत करी, जो यहाँ के ट्रस्टी थे गद्दी नसीन थे, कि भाई ये सब यहाँ पर काम गलत होता है। अभी भी मैंने रजूआत करी है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में
कि देखो ये शाही पुरातत्व विभाग है, ये आप देख सकते हो मस्जिद के ऊपर ये कलर काम चालू है। अभी परसों मैंने इसके बुला के ऑफिसरों को बताया, पर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको फाइल कर दिया गया है, मैंने पूछा क्या हुआ, ये किसने परमिशन दी है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इससे अगर इसकी परमिशन दी है तो हमारे को बताओ, पर इसको फाइल कर दिया गया है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा, यहाँ पर NR पठान के पहले भी यहाँ पर ट्रस्टी थे, उस ट्रस्ट के नाम पर यहाँ पर करोड़ों लाखों रुपये का चंदा हो रहा है। ये रही इसकी नकली रसीद है, और मैनेजर की सही है, और मैनेजर भी अभी हाजिर है यहाँ पर। लाखों रुपए का चंदा होता है, करोड़ों रुपए की दान पेटियों की आवा के कहाँ जाती है आलम रोजा ट्रस्ट की। हमला कब हुआ था आपके? मेरे पे 7वें महीने में 10 तारीख को रात को 10 बजे बरसात था, 16-17 इंच बरसात। मैं सामने दिल्ली चाव होटल पे गया, एक शख्स आया रफीक व्यापारी नाम का, उसने 2 छुरियाँ लेके मेरे पे हमला करा, पर मेरे साथ 2-4 आदमी और थे, उन्होंने एकदम से पकड़ लिया, वो मेरे पे पत्थर मार के भागा। मैंने ईशनपुर में उसकी फरियाद दी है, फरियाद भी लिए। उसके बाद वो 2 महीने बाद सोशल मीडिया पे आता है और बोलता है कि ये शख्स थे, मुझे पैसे दिए गए थे और इन्होंने तुम्हें को मरवाने का किया है। ईशनपुर पुलिस स्टेशन ने उसकी कार्रवाई की थी, और अभी भी जो ये वायरल हुआ इसके लिए भी मैं गया था, पर अभी तक इसके लिए क्या कर। 7वें महीने में 10 तारीख को रात को 10 बजे बरसात था, 16-17 इंच बरसात। मैं सामने दिल्ली चाव होटल पे गया, एक शख्स आया रफीक व्यापारी नाम का, उसने 2 छुरियाँ लेके मेरे पे हमला करा, पर मेरे साथ 2-4 आदमी और थे, उन्होंने एकदम से पकड़ लिया, वो मेरे पे पत्थर मार के भागा। मैंने ईशनपुर में उसकी फरियाद दी है, फरियाद भी लिए। उसके बाद वो 2 महीने बाद सोशल मीडिया पर आता है और बोलता है कि ये शख्स थे, मुझे पैसे दिए गए थे और इन्होंने तुम्हें को मरवाने का किया है। ईशनपुर पुलिस स्टेशन ने उसकी कार्रवाई की थी, और अभी भी जो ये वायरल हुआ इसके लिए भी मैं गया था, पर अभी तक इसके लिए क्या करा मुझे नहीं मालूम। वो NR पठान का नाम ले रहा है, आसिफ खान का नाम ले रहा है, और अब्दुल मलिक जो यहाँ पर मैनेजर के लिए 2K टाइम के लिए रखा था 15 दिन के लिए, उसका नाम ले रहा है। सालम सरकार की सालाना आवक कम से कम 75 लाख रुपये के आसपास है, और उड़सों की तो बेशुमार कह नहीं सकते। ये जो कोभांड हो रही है उसके लिए मेरे पे हमला हुआ है। तो सालम सरकार ने दरगाह जो है अहमदाबाद की एक तरीके से काफ़ी पुरानी और बहुत ही मतलब सरकार बहुत फेमस है लोगों के दिलों में, तो इसकी सुरक्षा को लेकर आज तक कोई मेटल डिटेक्ट? ये हुजूर शाह आलम सरकार 563 साल जूना मजार है आपका, और ना ये मजार सैयदों ने बनाया था, ना बुखारियों ने बनाया था। हुजूर शाह आलम सरकार ने अपने खादिमों में अपने गुलामों को रखा है, तो पठान को रखा है। ये ताज खान नरपली ने 1550 की सन के आसपास इसका जितना भान काम किया है, और पत्थरों में भी आज की उनकी तारीख नोदी हुई है। और ताज खान पठान का मजार बिल्कुल बस यहाँ सामने ही है। हुजूर शाह आलम सरकार पठानों से बड़ी नस्बत रखते थे, और वही नस्बत को देखते हुए आज मैं 24 साल से हुजूर शाह आलम सरकार की खिदमत करता हूँ, और मेरे बच्चे भी करते रहेंगे। अगर इसमें अगर मेरे को कुछ होता है और मैं मर जाता हूँ, तो इसके जितने भी नाम आ रहे हैं, या ये कोभांड में जितने दान पेटियों के इसमें ट्रस्ट के अंदर जितने आके गए, ये सब जवाबदार रहेंगे। वक्फ बोर्ड में मैंने 6 महीने पहले अर्जी दी है, उसके बाद मैंने ITI 1 महीने हो गई है, पर सज्जाद हीरा ने मुझे अभी तक कोई ITI का ना जवाब दिया, ना मेरी अर्जी का जवाब दिया। इधर फिलहाल साफ सफाई का काम मैं रात को खुद 11:30 बजे करवा के जाता हूँ। साफ सफाई में इतने बड़े दरबार के अंदर सिर्फ 1 आदमी रखा गया है। पूरा 2 कब्रिस्तान है, 2 मस्जिद है, 2 शहन है, इतना बड़ा मैदान देख सकते हैं, सिर्फ 1 आदमी ये काम कर सकता है। हुजूर गरीब नवाज अहमदाबाद शाह आलम दरगाह में हाल थई रहेला गैर वहीवट ने मुस्लिम समाज में भारे रोष की लागणी प्रवर्ती है। हाल में शाह आलम दरगाह जवाबदारों शाह आलम दरगाह प्रश्नों ने कारण मूकी पोतानी मनमानी कर रहा है। आ जवाबदारों ने गोलक गणवामां ज रस छे अने अंकितदत्त मंदो द्वारा गोलक में नखाती रकमों कोई हिसाब जे ते वहीवटदारों द्वारा नाखवामां आवतो नथी। आ अंगे मुस्लिम समाज में वहीवट द्वारा व्यापक असंतोषाय फैलाई रह्यो छे। आवो सांभळीए शाह आलम दरगाह खिदम
उद्गार सुखाभाई पठान द्वारा आ मामले निवेदन आप्यु हतु। संजीव राजपूत साथे हनीफ शेख, समय मीडिया न्यूज, अमदावाद।